हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में। तो आज की जो वैकेंसी आ रखी है वो आ रखी है यहाँ पे एनटीपीसी लिमिटेड के द्वारा, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा, बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए। ये एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन निकाला गया है और सबसे बढ़िया बात यहाँ पे ये है कि आपका सीबीटी एग्जाम होने वाला है। सीबीटी एग्जाम के बेस पे सिलेक्शन होगा, फ्रेशर इसको अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि विदाउट गेट स्कोर कार्ड आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। सैलरी बहुत ही बढ़िया रहने वाली है और यहाँ पे जो आपके पद रहेंगे जूनियर इंजीनियर के पदों के लिए वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। यूट्यूब पे सबसे पहले अपडेट दे रहा हूँ क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही नोटिफिकेशन इन्होंने ऑफिशियली वेबसाइट पे जारी किया है। इसी बात पे एक लाइक तो बनता है। और ये सरकारी नौकरी रहेगी, परमानेंट जॉब रहेगी, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब यहाँ पे नहीं रहेगी क्योंकि सीबीटी एग्जाम लेंगे तो सरकारी नौकरी आपको यहाँ पे देने वाले हैं। साथ ही साथ सैलरी आपका जो रहेगा, स्टार्टिंग सैलरी आपको जो रहेगा 45,000 रुपये पर महीने के हिसाब से सैलरी आपको देखने को मिलेगा। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं बिल्कुल आप एलिजिबल हैं, इसको अप्लाई कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं यहां पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। सैलरी आपका कितना मिलेगा, जॉब लोकेशन आपका क्या रहेगा, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, कितना नेगेटिव मार्किंग होता है कि नहीं होता, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहां पे पद जो आपके रहेंगे वो आपके जूनियर इंजीनियर के पदों के लिए वैकेंसी है। उसके अलावा यहां पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो इन्होंने रखा है वो आपका रखा है, अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखा है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 60% का क्राइटेरिया इन्होंने यहां पे नहीं मांगा है तो आपको टेंशन नहीं लेनी। उसके अलावा यहां पे आपका सीबीटी एग्जाम होगा, मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है जो कि आपका ऑनलाइन एग्जाम रहेगा। आपको सेंटर पे जाना पड़ेगा और सीबीटी एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा, तो उसके बेस पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए फ्री का फॉर्म है और मेल कैंडिडेट है उनको 300 रुपये यहाँ पे करने पड़ेंगे। अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 300 रुपये पे करने हैं। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट है किसी भी कैटेगरी में आती है या फिर एसएसटी कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन है, तो आपको 1 रुपये भी पे नहीं करना। तो इसको अप्लाई कर कैसे करना है उस प्रोसेस के बारे में जरा हम जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक तो बनता है। टारगेट जो हमने रखा है वीडियो के लाइक का 900+ लाइक का टारगेट रहेगा। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कमेंट करके बता देना ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको वही अपडेट भी प्रोवाइड करवा सकूंगा। और अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो मैंने आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक लिंक दे रखा है कनेक्ट विथ मी का, अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो वहां पे क्लिक करेंगे आपके सामने डायरेक्टली टैब ओपन हो जाएगा और आप जिस भी प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं, लिंक्डइन का, इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का, फेसबुक का, व्हाट्सअप का, उस पर आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे आप डायरेक्टली हमसे कनेक्ट होकर बात कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको टॉप पे दे रखा है सेलेक्टेड स्टूडेंट की लिस्ट को। ये उन स्टूडेंट की लिस्ट है जो कि आज टॉप एमएनसी कंपनी में काम कर रहे हैं हमारे चैनल के थ्रू। इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाला आइकन है उसको दबा दे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका भाई इस चैनल पे इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ऑफिशियली नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है और इस नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड करना है, अप्लाई कैसे करना है, पूरा प्रोसेस जानेंगे। और ये नोटिफिकेशन आज थोड़ी देर पहले ही इनके ऑफिशियली वेबसाइट पर जारी किया गया है। एनटीपीसी की वेबसाइट आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एनटीपीसी आपको एक पब्लिक सेक्टर यूनिट आपको देखने को मिलता है जिसके अंदर गेट स्कोर कार्ड मांगा जाता है, लेकिन ये जो वैकेंसी है विदाउट गेट स्कोर कार्ड वालों के लिए निकाली गई है। तो यहाँ पे किसी भी टाइप का गेट स्कोर कार्ड नहीं मांगा जाएगा, बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट सरकारी नौकरी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे और ऐसा मौका बार बार नहीं आता, इसको अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। और यहाँ पे ऊपर कंपनी का ब्यौरा दे रखा है जिसको आप अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। पोजीशन के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे असिस्टेंट माइन सर्वेयर का वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा और ये रहेगा आपका कोल माइनिंग एरिया के अंदर वैकेंसी निकाला गया है जिसमें आपका एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड के द्वारा एनएमएल के द्वारा वैकेंसी निकाला गया है जो कि एनटीपीसी का एक पार्ट आपको देखने को मिलेगा। और इसके अंदर आपका E0 लेवल की वैकेंसी आपकी रहेगी, मतलब कि एग्जीक्यूटिव 0 लेवल का सैलरी आपको देखने को मिलेगा। बहुत बढ़िया सैलरी है, सैलरी भी आपका अच्छा खासा देखने को मिलेगा। और इसके अंदर आपका पोजिशन इन्होंने बता दिया है असिस्टेंट माइन सर्वेयर का E0 लेवल का आपका सैलरी रहेगा। क्वालिफिकेशन जो इन्होंने मांगा है, अगर आपने बीटेक कर रखा है सिविल के अंदर या फिर आपने बीटेक कर रखा है माइनिंग के अंदर, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल आप एलिजिबल है। लेकिन आपके पास यहाँ पे सर्वेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि यहाँ पे इशू करवाया जाता है DGMS के द्वारा, ये इशू होता है जिसको आप बनवा भी सकते हैं। तो ये सर्टिफिकेट आपका यहाँ पे होना जरूरी है।
उसके अलावा यहाँ पे आपका जो सैलरी रहेगा वो आपका रहेगा यहाँ पे 30,000 रुपये से लेके 1,20,000 रुपये जूनियर इंजीनियर के इक्विवेलेंट आपका सैलरी देखने को मिलेगा। एडिशनल डी आपको मिल जाता है और जो सिलेक्टेड स्टूडेंट रहेंगे उनको सारी फैसिलिटी और बेनिफिट्स मिलेंगे एनटीपीसी के द्वारा, जो कि एनटीपीसी प्रोवाइड करवाती है, एचआरए, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और इसका जो एज लिमिट रहेगा उस एज लिमिट के अंदर आपका 30 साल रखा है और ये 30 साल रहेगा जनरल कैंडिडेट के लिए, जो भी जनरल कैंडिडेट है उनके लिए, या फिर अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं उनके लिए। बाकी अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, 3 साल का मिलेगा यहाँ पे ओबीसी कैंडिडेट को, 5 साल का मिलेगा यहाँ पे एससी एसटी कैंडिडेट को, और एक्स सर्विसमैन को यहाँ पे 5 साल का मिलेगा, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 10 साल का, 13 साल का और 15 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है, जैसे कि यूआर कैंडिडेट के लिए 7 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी है, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 2 वैकेंसी है, एसटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी यहाँ पे 11 है, और एसटी कैंडिडेट के लिए वैकेंसी नहीं है लेकिन वो अप्लाई कर सकते हैं यूआर कैटेगरी के अंदर, इजीली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात की जाए यहाँ पे कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब कुछ चेकअप होगा अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो, उससे पहले आपका मेडिकल यहाँ पे एग्जामिनेशन होगा। देन फिर यहाँ पे बात की जाए कि अगर आप इंडिया के नागरिक हैं इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो एज रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिलेगा, जिसमें एज लिमिट के अंदर एसएसटी कैंडिडेट को 5 साल का मिलेगा और ओबीसी कैंडिडेट को यहाँ पे 3 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। एंड यहाँ पे बात की जाए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपका ऑनलाइन सिलेक्शन टेस्ट रहेगा, मतलब कि आपका एक सीबीटी एग्जाम होगा और उसी सीबीटी एग्जाम की मेरिट लिस्ट के बेस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। देखिए यहाँ पे जो सीबीटी एग्जाम है उसके अंदर यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा, आपके दो पार्ट रहेंगे सीबीटी एग्जाम के अंदर, इन्होंने यहाँ पे दे रखा है कि 2 पार्ट रहेंगे। पहला पार्ट रहेगा आपका सब्जेक्ट नॉलेज से रिलेटेड, जैसे कि आपकी ब्रांच सिविल है या फिर आपकी ब्रांच माइनिंग है तो उससे रिलेटेड आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा रहेगा एग्जीक्यूटिव एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा, ये आपका नॉर्मली एप्टीट्यूड टेस्ट रहता है जिसमें आपका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, ये सब जीके, ये सब कुछ आता है, ये दो पार्ट में डिवाइड है। और जैसे ही आप इस एग्जाम को क्लियर करते हैं तो उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद मेडिकल एग्जाम होगा, फिर आपको ज्वाइनिंग यहाँ पे मिल जाएगी। आपको बस ये एग्जाम को क्लियर करना है, बाकी यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने एक और चीज मेंशन कर रखी है जिसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है। देखिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि दो आपके जो पार्ट रहेंगे, पार्ट ए और पार्ट बी, पार्ट ए रहेगा सब्जेक्ट नॉलेज से रिलेटेड, पार्ट बी रहेगा आपका एप्टीट्यूड टेस्ट से रिलेटेड, दोनों पार्ट को आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो आपको दोनों पार्ट को क्लियर करना पड़ेगा, दोनों पार्ट के अंदर यहाँ पे आपको मार्क्स वो लाने पड़ेंगे जो कि इसका यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स आपको लेके आने पड़ेंगे। अगर किसी एक पार्ट में आप फेल हो जाते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो उन्होंने मेंशन अलग से कर रखा है कि यहाँ पे दोनों पार्ट क्वालिफाइंग आपको करने पड़ेंगे। उसके अलावा यहाँ पे जब आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका जो टेस्ट सिटी है वो आप डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे टेस्ट सेंटर कभी भी चेंज किया जा सकता है, इन्होंने ये सारी चीज़ें इन्होंने बता रखी है। उसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे कि अप्लाई कैसे करना है, आगे जानेंगे अप्लाई का प्रोसेस, लेकिन हम जान लेते हैं यहाँ पे अप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं या फिर ओबीसी कैंडिडेट हैं जिसमें मेल कैटेगरी में आते हैं तो आपको 300 रुपये पे करना पड़ेगा और ये 300 रुपये नॉन रिफंडेबल रहेगा। अगर आपने एक बार पे कर दिया तो कर दिया, वापस से आएंगे नहीं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। जो आप फॉर्म को फिल करो तो आपको अपने नाम को, आपका जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके परसेंटेज को बड़े ध्यानपूर्वक यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं और किसी भी कैटेगरी में आती है, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, एसएसटी हो, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो, किसी भी कैटेगरी में आती है, आपको 1 रुपया पे नहीं करना। और अगर आप यहाँ पे एसएसटी कैंडिडेट हैं, एक सर्विसमैन है, तो भी आपको 1 रुपया पे नहीं करना। पेमेंट के मेथड बता रखे हैं यहाँ पे इन्होंने, SBI के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं और ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल सी बात है, आप आराम से पेमेंट कर पाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने एक और चीज़ मेंशन कर रखी है कि जैसे आप पेमेंट कर दो और आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे सबमिट कर दो तो जो एप्लीकेशन यहाँ पे जो पेमेंट स्लिप है वो आपको संभाल के रखनी है फ्यूचर रेफरेंस के लिए, कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पे वो पेमेंट स्लिप आपको दिखानी पड़ेगी। ये चीज़ इन्होंने मेंशन कर रखी है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। साथ ही साथ यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करें तो ये 24 नवंबर 2023 का लेटेस्ट नोटिफिकेशन यहाँ पे है और यहाँ पे इन्होंने लास्ट डेट दे रखा है जो कि आपका रहेगा यहाँ पे 8 दिसंबर 2023 तक। आप इसको बड़े इजीली अप्लाई कर सकते हैं, 8 दिसंबर के बाद अप्लाई का प्रोसेस खत्म हो जाएगा। तो अब हम जानते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो मैंने आपको अप्लाई लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा टैब ओपन हो जाएगा जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं।
चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, उस प्रोसेस के बारे में। देखिए, मैंने आपको अप्लाई लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आपको सिंपली क्या करना है, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे आपके सामने डायरेक्टली कुछ ऐसा टैब ओपन हो जाएगा जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे मैंने NTPC की यहाँ पे वेबसाइट को ओपन कर लिया है। स्क्रॉल डाउन करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए अगर आपने पहले कभी NTPC लिमिटेड के अंदर अप्लाई किया है तो आपका एक यूज़र आईडी होगा और आपका ईमेल आईडी होगा, उसके थ्रू आप डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। और अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका यूज़र आईडी और आपका यहाँ पे जो आपका रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी है वो यहाँ पे जनरेट होगा, उसको आप डाल के डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। तो अगर आपने पहले से क्रिएट कर रखा है तो यहाँ पे डाटा फिल कर देना, लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करके डायरेक्टली आप अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दीजिएगा। और अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे न्यू यूज़र का बटन दे रखा है रजिस्टर का, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते हैं, एक न्यू टैब ओपन होता है, तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इस फॉर्म को आपको अच्छे से फिल करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा जहाँ पे भी स्टार मार्क दे रखा है वो आपका मैंडेटरी रहेगा, उसको आपको फिल करना पड़ेगा, उसको आप खाली नहीं छोड़ सकते। देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे आपका आ जाता है कि कैंडिडेट का नेम टाइटल आप अपने अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा, मेल फीमेल के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपका फर्स्ट नेम आता है और आपका मिडिल नेम आता है और उसके बाद आपका लास्ट नेम आता है। देखिए किन्हीं किन्हीं बच्चों का ओनली फर्स्ट नेम होता है, जैसे कि राहुल है, राहुल का सरनेम नहीं है तो वो ओनली फर्स्ट नेम है, तो यहाँ पे आप फर्स्ट नेम डाल सकते हैं। और अगर आपका मिडिल नेम है तो डाल सकते हैं, अन्यथा इसको खाली छोड़ सकते हैं, यहाँ पे कोई स्टार मार्क नहीं दे रखा। और अगर आपका लास्ट नेम है तो डाल सकते हैं, अन्यथा आप इसको भी खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है, जेंडर कौन सा है। उसके बाद आपका एप्लीकेंट का डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो आप अपने आधार कार्ड के 10वीं की जो मार्कशीट है उसमें देख के अपना DOB यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद आता है कि अगर आपकी कोई सब कैटेगरी है तो उसके बारे में डाल सकते हैं, अन्यथा इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप अपने पिताजी का टाइटल यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, उनका नाम क्या है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, पिताजी क्या करते हैं उसको डाल सकते हैं। मदर नेम के टाइटल को यहाँ पे मदर नेम को डाल दीजिएगा। उसके बाद सिंपली यहाँ पे मदर का क्या करती है मदर, उसको यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आएगा आपका करंट एड्रेस, तो यहाँ पे डाल दीजिएगा यहाँ पे करंट एड्रेस सिटी कौन सा है और आपका यहाँ पे करंट एड्रेस स्टेट कौन सा है। उसके बाद आपका पिन कोड क्या है, जो भी आपके करंट एड्रेस में भी आप रहते हैं उसका पिन कोड डाल सकते हैं। रिलीजन कौन सा है उसको डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप एक सर्विस मैन है, यस और नो में आंसर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डोमेसाइल अगर आप जम्मू एंड कश्मीर का है तो उसको यस और नो में आंसर कर सकते हैं। बाकी डिफॉल्ट में यहाँ पे इन्होंने नो कर रखा है, आपको कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है, नो ही पड़ा रहती है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका ईमेल आईडी पूछेगा, मोबाइल नंबर पूछेगा, अल्टरनेट मोबाइल नंबर पूछेगा, जिसमें अगर आपके पास कोई दूसरा सिम कार्ड है तो उसको यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर अगर आपके पास एक ही सिम कार्ड है तो अपने मम्मी पापा किसी का भी यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर में डाल सकते हैं। और फादर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे बता सकते हैं, मदर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आई एम नॉट ए रोबोट यहाँ पे टिक करने के बाद सेव एंड रजिस्टर वाला बटन है, इस पर क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो सिंपली आपको ऊपर जाना है, लॉग इन एंड अप्लाई वाले बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे जो आपकी ईमेल आईडी है वहां पे आपको मिलेगा, जो कि आपका यूजर आईडी रजिस्ट्रेशन आईडी आपको मिल जाएगा, उस पर क्या करना है उसको कॉपी कर लेना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और जो आपकी ईमेल आईडी है जिससे अभी आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया है, जिस ईमेल आईडी पे मेल आया है उस ईमेल आईडी को यहाँ पे डाल देना है। लॉगिन वाला बटन है, इस पर क्लिक करके फाइनली आप लॉगिन कर सकते हैं और जो भी आपके डॉक्यूमेंट है वहाँ पे अपलोड करके इसको फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस यहाँ पे आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं, 300 रुपये रहेगा जनरल OBC और EWS कैंडिडेट के लिए, जो भी मेल कैंडिडेट हैं। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं किसी भी कैटेगरी में आती है, और अगर आप यहाँ पे SST कैंडिडेट हैं तो आपको 1 रुपये भी पे नहीं करना, आप बिल्कुल फ्री में फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है, कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है। कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है, कौन सी जॉब आप सर्च कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।